इस चुनाव में बीजेपी बजरंग बली को सियासी मुद्दा बना रही है। बीजेपी के हमलों के बाद बजरंग बली पर बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। हुबली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया जय बजरंग बली का नारा। जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली, ये कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए बजरंग बली का सहारा लेती है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜೈ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ, ತೋಡ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಿ ನಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೇ ತಮಗೆ ಓಟಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಜಯ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ, ತೋಡ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಿ ನಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ, 40% ಸರ್ಕಾರ. तो कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली को लेकर पीएम मोदी कांग्रेस पर कैसे हमलावर हैं, सुनिए। मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभा श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। तो देखिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जोरदार टक्कर नजर आ रही है कर्नाटक में। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, मनोज यादव प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या अब आपकी पार्टी भी बजरंग बली के भरोसे है? मैं देख रहा हूं चुनावी रैलियों में खड़गे साहब भी अब नारे लगा रहे हैं, जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। समीर भाई, बजरंग बली के सहारे तो पूरा देश है, पूरा समाज है, हर व्यक्ति है। और बजरंग बली एक ऐसे देवता है जो हमेशा सर्वमान्य है, हमेशा सर्वकालिक है, हमेशा रहते हैं। जहां तक बात बजरंग बली के साथ भ्रष्टाचार की नली तोड़ने की है, हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो खाया है पूरी कर्नाटका में 6.5 लाख करोड़ रुपए भस्मासुर की तरह खाया है, उसको तोड़ने के लिए बजरंग बली अपना गदा उठा चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या एक बार भी बजरंग बली के उन इशारों को समझते होते तो कम से कम भ्रष्टाचार पर कुछ बोलते। लेकिन अजय जी लेकिन बीजेपी तो ये बोल रही है, अजय जी बीजेपी तो ये बोल रही है कि आप उसी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं लोगों से जो कि बजरंग बली का नारा लगाते हैं। बहुत अच्छा कहा, बजरंग बली का नारा लगाना और बजरंग बली के नाम पे सियासत करके हिंसा फैलाना दोनों दो चीजें हैं। दिल से नारा हम लगाते हैं जय बजरंग बली। नहीं, अच्छी बात है अगर आप नारा लगाते हैं तो और बजरंग बली सबके हैं। लेकिन मनोज यादव, अजय जी को आप सुन रहे थे, कहां कांग्रेस को आपत्ति है बजरंग बली का नाम लेने से? अब देखिए, अब तो ऐसी मजबूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जनसभा में कह रहे हैं जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली, तो अब तो बजरंग बली कांग्रेस के भी हो गए, फिर आप लोग क्यों सवाल उठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे अमोद भैया ने एक छोटे से बच्चे से पूछा, जिस तरह से अमोद भैया लगातार, अमोद जी आपके वहां पर पत्रकार है जो वहां पर लगातार घूम रहे, छोटे से बच्चे ने भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो भारत वीक हो जाएगा, नरेंद्र मोदी है तो भारत की ताकत भी बड़ी हुई है। और अजय उपाध्याय जी क्या है, विद्वान प्रवक्ता है, इनको शायद हो सकता है घोषणा पत्र की कमेटी में नहीं लिया गया है, नहीं तो ये अच्छी राय देते। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के जिन जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, सट्टार ये बोलते हैं 40% कमीशन वाली ये सरकार रही है, उस सेक्टर पे आरोप लगे हमने उनको टिकट नहीं दिया, उस भ्रष्टाचारी के लिए रैली करने के लिए 4 साल बाद सोनिया गांधी खुद उनकी रैली करने के लिए गई है। मनोज जी, तो मुझे ये बताइए, मनोज यादव जी चुनाव प्रचार होता है सरकार के कामकाज पर कि आपने क्या काम किया। भगवान श्री राम हनुमान ये आस्था का विषय है, बेहतर नहीं होता कि बजरंग बली की बजाय गांव और गली की बात होती?
बजरंग बली को क्यों ला रहे हैं आप चुनाव में? प्रत्युष जी आप बीच में मुझे मत बोलिएगा, एक मिनट मुझे, मैंने सवाल कर लिया, जवाब दीजिए जी। देखिए हमने मुद्दा उठाया कि एफडीआई में हमने नंबर वन बनाने का काम किया, स्टार्टअप में हमने नंबर वन बनाने का काम किया, इनोवेशन ने नंबर वन बनाने का काम किया है, वहां पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लगाने का काम किया, 54 लाख प्रधान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 15 करोड़ रुपए। अरे भाई मनोज जी, ये सारी बातें तो आप कर ही रहे हैं रैलियों में, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, जो सवाल पूछा गया उसका भी तो जवाब दे दीजिए। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, आप कह रहे हैं बजरंग बली को कैद क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं सर, आप सुनने को तैयार नहीं, बीच बीच में टोक देते हैं। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। हिंदुत्व तो हमारा आधार है, हमारे सांस्कृतिक पुरुष राम और हनुमान जी के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगाएगा इस तरह से बजरंग बली के भक्त, तो बजरंग दल के प्रेरणा स्रोत कौन है? हनुमान जी है। क्या अल्लाह अल्लाह पुकारेंगे? बजरंग दल के प्रेरणा स्रोत अल्लाह होंगे या फादर होंगे, ईसा मसीह होंगे? ठीक है, जवाब दे दीजिए जल्दी से, इसी बात का जवाब दे दीजिए। आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब दे दिया मनोज जी, कि क्यों उन्होंने नाम लिया बजरंग बली का? वो प्रधानमंत्री बजरंग बली को सही मानते हैं। ठीक है मनोज जी, हो गया आपका, हो गया अब जवाब दीजिए। बजरंग बली का जो आदर्श है, बजरंग बली का आदर्श क्या है? ईमानदारी, नम्रता, शांति और सौहार्द, ये नहीं है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री जी अपने ईडी सीबीआई को यदि स्वतंत्र करके भेजते तो 40% जो सरकार वहां है कमीशन वाली, 80% मंत्री आज जेल में होते। इनके एमएलए, इनके मंत्री ने ये आरोप लगाया। लेकिन अजय जी एक बात आप ये बताइए, अजय जी एक बात आप ये बताइए कि जो अजय जी जो बजरंग दल है, अब तो वो इतना ज्यादा आग बबूला हो गया आपकी इस बात के बाद कि अब आप पर मानहानि, 100 करोड़ की मानहानि की बात कही जा रही है, आप सामना करेंगे इसका? अरे 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ कर ले, लेकिन क्या वो बताएंगे कि सिवनी में हत्या बजरंग दल के लोगों ने कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में जो इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी वो बजरंग दल के लोगों ने की थी या नहीं की थी?